हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी 16। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं और अभी काफी हाल ही में काफी चर्चा में रही है। 21 जून को अभी हाल ही में ग्रहण पड़ा था और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में व्हाट इज टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा क्या है और इंडियन स्टेट्स, कितने इंडियन स्टेट्स से गुजरती है और इंडियन ट्रॉपिक नेबर, मतलब कितने पड़ोसी देश हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है इंडिया के। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या किन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो इस वीडियो को देखिए, तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको बता दूं कि अभी आप लोग 50 वीडियो देख चुके हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, फिर भी आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आप लोग ट्रिक की मांग करते हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं बताने के बाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोग ट्रिक सब भूल जाओगे और आप लोग खुद अपनी ट्रिक बनाओगे। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज टॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशली बताऊंगा कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी 20 मिनट में, जो आपकी समझ विकसित करेगी और मेंस के लेवल की होगी, एमपीपीएससी यूपीएससी की। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा जानते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। यह अर्थ है, अर्थ के बीच में से एक इक्वेटर गुजरता है जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। यह नॉर्थ होता है जिसे उत्तर कहते हैं और यह साउथ होता है जिसे दक्षिण कहते हैं। कर्क रेखा यहाँ से जो है 0 डिग्री है, तो यहाँ से 23/23.5 डिग्री पर पाई जाती है और नॉर्थ इक्वेटर में पाई जाती है। अब क्वेश्चन ऐसे ही तो बन जाते हैं और आप लोग रटते रहते हैं और रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सभी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रटना नहीं चाहिए, कोई भी ट्रिक अगर बताए तो वो ट्रिक नहीं देखना चाहिए। तो यह 23.5 डिग्री नॉर्थ से निकलती है। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है, ऑप्शन में रहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन सी है, तो ऑप्शन देने की 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब आप लोग रट के गए हैं कि 23.5 डिग्री है वो, तो आप लोग भूल जाएंगे नॉर्थ है कि साउथ है। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है हमारे लिए, हम फुल डिटेल में और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो शुरू करते हैं, कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आपने अगर इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के बीच में पड़ेगा ही, तो मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात तो बीच में पड़ेंगे ही। तो इसी प्रकार इन्हीं राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब हम जानते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से मध्य प्रदेश में गुजरती है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जो स्टेट पड़ता है वो है गुजरात। गुजरात स्टेट से सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। और आपने जाना होगा कि सबसे लास्ट में सूर्य शायद यहीं पर सबसे लेट टाइम शायद गुजरात का ही है, सॉरी सबसे ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। गुजरात की बात, राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके और गुजरात और राजस्थान दोनों पड़ोसी राज्य। और उसके बाद बात करते हैं एमपी की। एमपी भी राजस्थान का पड़ोसी राज्य, गुजरात का भी पड़ोसी राज्य है। तो ये एमपी से गुजरती है थर्ड। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी। कभी कभी हमें सीरीज जमाने के लिए आ जाता है ऑप्शन में, अब मतलब इनका टॉपिक चेंज हो गया है, तो कभी कभी जमाने के लिए भी दे देते हैं कि नॉर्थ से साउथ कौन से स्टेट में सबसे पहले, कौन से स्टेट में सबसे बाद। इसलिए आपको यह भी जानना जरूरी है। इसके बाद आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से गुजरती है, ये तो बहुत आपके लिए आसान क्वेश्चन रहेगा। आपको मैं फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। अब आप लोगों ने एक बार नोटिस की होगी ये सब पड़ोसी राज्य। जी हाँ, आप लोग को याद करने की मैं अच्छी ट्रिक, अगर आप लोग चाहिए ट्रिक नहीं है जी समझने के लिए, कि सभी एमपी के पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है। तो अगर आप लोगों को कभी नहीं बने और आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि किन किन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो आप लोग ध्यान करके एमपी के पड़ोसी राज्य कितने हैं, बस उसमें से एक्सेप्शन है यूपी। यूपी नहीं लेना हमें, यूपी और महाराष्ट्र ये नहीं लेना है। महाराष्ट्र तो पड़ेगा नहीं क्योंकि वो साउथ में, आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से हो जाती है। और यूपी उत्तर में है तो उत्तर में नहीं पड़ेगा, तो ये ट्रैक है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है। झारखंड मैंने इसलिए उसमें इसलिए हाईलाइटेड किया है क्योंकि यह काफी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में ऑप्शन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है झारखंड, जो कि एमपी कांस्टेबल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है झारखंड। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। झारखंड पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य है, इसलिए पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी हमने 6 राज्य जाने, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों पड़ोसी राज्य हैं। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सरपराव मुझे रहा। अगर आपको ट्रिक बनानी है तो आप ऐसे कर लीजिए टीएम, बाकी आप पूरे राज्यों के फैक्ट्री ट्रिक को याद नहीं करना है, आप लोग पेपर में भूल जाओगे। आपको चार और दो के सेगमेंट में बांटना है जी। 4 मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हुए, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य हुए, सरपराव मिजोरम दो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। आपको ऐसे में याद करना है कि
बीच में जो है झारखंड पश्चिम बंगाल है, उत्तर पूर्व मिजोरम दो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो कि उत्तर पूर्व के राज्य कहलाते हैं। तो हम एक बार और जानेंगे, सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी झारखंड, झारखंड का पड़ोसी पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अब हम जानेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एमपी कॉन्स्टेबल से लेकर यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग रहता है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन दे रहे हो या एमपीएससी एसआई, आप किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप ट्रैक में पढ़ेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या यूपी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो नहीं, यूपी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती, यूपी से कर्क रेखा कभी नहीं गुजरेगी, अगर आपने मैप देखा है तो नहीं गुजरेगी। अब क्वेश्चन आता है, वेजिटेशन लाइट डायरेक्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर? तो वो है 21 जून। अभी हाल ही में 21 जून को ग्रहण भी लगा था, जिसे हम सोलर इलिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण, और उसकी मैं वीडियो बताऊंगा ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डिग्री, कितने डिग्री पर कर्क रेखा मानी जाती है? तो 23.5 डिग्री है, 23 सही 1/2। क्वेश्चन आता है, ये नॉर्थ है कि साउथ है? तो ये नॉर्थ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इक्वेटर की कौन सी दिशा में, इक्वेटर ये है, इक्वेटर की कौन सी दक्षिण में है, उत्तर में? तो ये उत्तर में। तो क्वेश्चन आता है, तो ये नॉर्थ आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन हुआ, ये बिल्कुल डिटेल वाली क्वेश्चन है, बाकी अगर आप क्वेश्चन उठा के नहीं, नॉर्मल आता है कि इनमें किस राज्य में से नहीं गुजरती है, तीन ऑप्शन सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे। तो मैंने आपको इतना डिटेल बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको और डिटेल बनाऊंगा, जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगी और यूपीएससी के लिए। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी के कितने डिस्ट्रिक्टों से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एमपी व्यापम एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू काफी महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बताऊंगा कितने कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कितने कंट्रीज में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं बताऊंगा इक्वेटर क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है। जैसे ये कर्क रेखा रहती है उत्तर में, एक और रेखा रहती है दक्षिण में, उसका कहते हैं मकर रेखा। उसके बाद मैं आपको एमपी ज्योग्राफी सीरीज करवाऊंगा, और मैं बताऊंगा एमपी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया कितने पड़ोसी देश है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आप जानते होंगे म्यांमार से भी गुजरती है, चाइना से भी गुजरती है, और बांग्लादेश से भी गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, और नेपाल से नहीं गुजरती है। जो तीन कंट्रीज है, म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।